8 टाइम्स ओलंपिक चैंपियन, 2016-2017 वर्ल्ड लीग मेडलिस्ट, 2018 चैंपियंस ट्रॉफी मेडलिस्ट, 2018 एशियन गेम्स मेडलिस्ट, 2017 एशिया कप चैंपियन और 2018 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी विनर। टोक्यो में भारत के राष्ट्रीय खेल का नया अध्याय लिखने को तैयार। विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है, इसके कई और भी पहलू हैं। आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आवाहन को साकार करने चली है इंडियन मेंस हॉकी टीम। 2019 के FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। अपने खेल के अनुभव, टीम बॉन्डिंग और सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग और सुविधाओं को अपनी ताकत बनाकर मिशन टोक्यो ओलंपिक्स के लिए हॉकी टीम के ये धुरंधर खिलाड़ी खेल के हर पहलू पर काफी काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें ऐसे हमें प्लेयर्स और एज ए टीम को चाहिए होता तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत जल्दी और अच्छी तरह से प्रोवाइड करती हैं। ये चीज़ें हमें आने वाले ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दे मेड श्योर कि हर प्लेयर को जो भी चाहिए उसको मिले और कोई प्रॉब्लम ना हो। साई इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब टू प्रिपेयर अस फॉर ओलंपिक्स। भारतीय हॉकी टीम के लिए टोक्यो ओलंपिक्स एक ऐसा अनुभव होगा जिसे वो अविस्मरणीय बनाना चाहेंगे। नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ इंडियन मेंस हॉकी टीम बन चुकी है 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।